सत श्री अकाल जी, पंजाब स्टार टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं हरलीन सानी स्वागत करती हाँ। तो अज इस प्रोग्राम के जिस शख्सियत की अस गल कर जा रहे हैं वह है जी गबरू जवान, सोहना जहा मुंडा जिसने पग नू अगे लियांदा, यानी कि इस पंजाबी इंडस्ट्री के ही नहीं उन्होंने अपनी सरदारी बॉलीवुड में भी कायम रखी। मैं गल कर रही हूँ जी दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 जलंधर में होया। दिलजीत एक सिंगर के नाल नाल एक्टर भी हैं, यानी पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज ने दिलजीत। वो पंजाबी इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट सिंगर विचों एक मने जाते हैं। जो उन्होंने सिंगिंग की गल की जाए तो साल 2000 उन्होंने पहली एल्बम इश्क दा ऊड़ा ऐड़ा नाल उन्होंने अपनी सिंगिंग की शुरुआत की। अगर गल की जाए डेब्यू फिल्म एंड बॉलीवुड दे विच तो साल 2016 उन्होंने पहली बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब रिलीज़ हुई सी, जिस विच उन्होंने बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला सी। होर की कुछ खास है दिलजीत की जिंदगी दे विच, चलो तुहानू दस दें। उन्होंने पंजाबी सिनेमा विच जट एंड जूलियट 1 साल 2012 विच कीती अते उन्हां दी फिल्म जट एंड जूलियट 2 साल 2013 विच रिलीज़ हुई। फिल्म पंजाब 1984 उन्हां दी साल 2015 दे विच आई अते साल 2016 दे विच उन्हां दी सरदार जी अंबरसरिया अते सरदार जी 2 भी 2016 दे विच ही रिलीज़ हो गई अते सुपर सिंह 2017 दे विच आई। इह सारी फिल्मां सुपर हिट फिल्मां विच अदाकारी ओह कर चुके ने जो कि इतिहास दीआं सब तो सफल पंजाबी फिल्मां विचों इक हन। दिलजीत दोसांझ का जन्म 6 जनवरी 1984 नूं जलंधर भारत विखे होया सी। ओह एक सिख परिवार नाल संबंध रखते हैं। दिलजीत दे दो भैन भरा हैं, वह हमेशा सिनेमाघरां अते पंजाबी लोक संगीत वल मोह रहिंदे सन। अदाकारी अते संगीत दी उन्हां दी प्रतिभा बहुत छोटी उम्र ही विकसित हो गई सी। दिलजीत दोसांझ ने अपनी सिक्ख्या लुधियाना विखे पूरी की। दिलजीत दोसांझ एक मिडल फैमिली तो बिलोंग करते हैं क्योंकि किसी टाइम उन्होंने पिता की तनखा सिर्फ महज 5000 रुपये प्रति महीना होती सी जी। बिल्कुल, एक दिन दिलजीत ने दर्शकों नू अपने वल अट्रैक्ट करन ली पिंड दे विच ही स्टेज शो ते सिंगिंग दा जो शो है वो लगाया सीगा क्योंकि ताकि वो अपने जो संगीत है अपनी सिंगिंग है लोका अगे पेश कर सकन ताकि वो लोका दे नज़रां विच आ सकन। ते इस दे नाल ही वो दर बदर अगे वधदे गए ते पंजाबी इंडस्ट्री विच उन्होंने फिर कदम रख लिया। उन्हां दा गीत लक 28 कुड़ी दा सुपर हिट गीत सी जिस विच प्रसिद्ध गायक योयो हनी सिंह भी शामिल होए सन। फिल्म जट एंड जूलियट विच दिलजीत दी अदाकारी उन्हां दे करियर दा एक नवा मोड़ बन गई अते फिल्म दा सीक्वल भी मेगा हिट सी। साल 2013 विच उन्हां दी गायकी दा इनकलाब इकल्ले बादशाह नाल आया अधिकारी अते ओ गायक अते एक्टर दे इलावा मनुक्तावादी भी हैं, जिवें कि उन्होंने साल 2013 विच सांझ फाउंडेशन नामक एक स्थापना बनाई जो बुजुर्ग नागरिकता अते कमजोर बच्चों की सहायता करता है। दस दिए दिलजीत दोसांझ दा दोसांझ जो अक्षर है उन्होंने पिंड के नाम तो लिता गया है। उन्होंने पिंड का नाम से दोसांझ, इसलिए उन्होंने कई बार असी दोसांझा वाला भी आखते हैं। दिलजीत दोसांझ ने साल 2012 विच हनी सिंह नाल कोलैबोरेशन की। गीत का नाम सी गोलियां जिहड़ा कि एल्बम इंटरनेशनल विलेजर का पार्ट सी। फिर उन्होंने अगला गीत बॉलीवुड की फिल्म तेरे नाल लव हो गया विच आया सी। गीत का नाम सी पीपा पीपा जिहड़ा कि जनवरी साल 2012 विच आया सी। दिलजीत दोसांझ कोका कोला कंपनी नाल भी काम कर चुके ने। दस दिए कि कोका कोला कंपनी ने पंजाब दे मुंडे दिलजीत दोसांझ नू कोका कोला लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने भी जो ई कमर्स फ्लिपकार्ट कंपनी है उन्होंने दिलजीत दोसांझ नू फ्लिपकार्ट कनैक्ट मुहिम लिए चुनिया सीगा। इसके अलावा दिलजीत किस किस ब्रांड्स नाल काम कर चुके ने चलो तुहानू दस दें। दिलजीत नू राणा दगुपति अते पुनीत राजकुमार दे नाल स्टार स्पोर्टर प्रो कबड्डी दे सीजन 4 दा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सी। उन्होंने योयो हनी सिंह द्वारा निर्मित प्रो कबड्डी लीग थीम गाना असली पंगा गाया अते पेश किया सीगा।
दिलजीत दोसांझ अक्सर एक गल कहते नज़र आते हैं कि सारिया का कहना सी कि अगर दिलजीत नूं बॉलीवुड च एंट्री मारनी है तो उन्होंने सरदारी जिहड़ी है वह छड़नी पवेगी क्योंकि बॉलीवुड विच सरदार लोगों की जो एंट्री है वह मुश्किल नाल ही होंदी है। पर दिलजीत ने सारिया दे मूंह बंद करवा दिते। अजकल तुसीं देख ही रहे हो कि ज़्यादातर दिलजीत जिहड़े है वह बॉलीवुड फिल्मों विच ही नज़र आते हैं तो उन्होंने लास्ट फिल्म जिहड़ी रही है वह है जी गुड न्यूज़, जिस विच दिलजीत के अलावा अक्षय कुमार, कियारा अडवाणी और करीना कपूर खान भी नज़र आए सन। दिलजीत जल्दी एक फिल्म करन जा रहे ने जो कि मेल प्रेगनेंसी उपर बेस्ड होवेगी। इस दे अलावा दिलजीत दी अजकल जो एल्बम है गोट उसके वीडियो सोंग जड़े है वो रिलीज़ हो रहे हैं। इसलिए दिलजीत दी कहानी दोबारा हाजिर होवोंगे अगले हफ्ते किसी नवी शख्सियत के नाल। तद तक ही मैनू यानी कि हलीन सानी नूं दो इजाजत। सत श्री अकाल।